Very good morning, dear students. Yesterday in chemical kinetics we are talking about Arrhenius equation. So today we shall be talking about numericals based upon Arrhenius equation. Uh, but before uh, taking up the numericals, uh, let's uh, understand the formulas that we have to use in the uh, numericals of. अरेनियस इक्वेशन एंडियसली आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ रेहेनियस इक्वेशन आपने रेनियस इक्वेशन में पढ़ा कि जो कांस्टेंट के है रेट कांस्टेंट के है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ई की पावर माइनस ई ए, ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी के इक्वल है ये इक्वेशन वन थी यह आपने रेहेनियस इक्वेशन में पढ़ा था अगर आप इसका लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं तो एल एन के इजिकल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी तो अगर आप चाहें तो इसको माइनस ई ए आर टी को आगे ले आइए और एल एन ए को पॉजिटिव का साइन है मतलब इनको आगे ले जाइए और इनको पीछे ले जाइए तो वो भी एक ही बात है तो इक्वेशन टू को हमने ऐसे लिख दिया कि एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए हम एक्चुअली एल एन ए जो था uh, उसको हम लॉग uh, ए बनाना चाहते थे तो इसलिए हमने लॉग uh, ए के uh, को हम यूज़ करना चाहते थे अमेरिकल्स में तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया कि माइनस ई ए अपन आर टी को आगे ले गए और एल एन ए को यहाँ पे ले आए तो एल एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक के इक्वल होता है तो 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक के जो है उसका 2.303 पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आप क्रॉस करके इस तरफ लेके आ सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा लॉक के इजिकल टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी प्लस लॉग ए ये इक्वेशन थ्री होगी जो इक्वेशन थ्री है हम लॉग ए को यहाँ पे इसलिए भी लेके आए इक्वेशन टू में क्योंकि हमने इक्वेशन को वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल शो करने की कोशिश करनी थी अगर ये इक्वल हो जाती तो ये स्ट्रेट लॉन्ग लाइन के ग्राफ को ओबे करती और जो प्लॉट बनता के का और इसके अलावा वन अपॉन टी का क्योंकि ई ए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर ये सब कांस्टेंट है तो अगर लॉक के अपॉन वन अपॉन टेम्परेचर लॉक के अपॉन वन अपॉन टेम्परेचर का ग्राफ बनता तो ये डाउनवर्ड जाता है क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो स्लोप इक्वल हो गई माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के इक्वल हो गई तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में और वो वाई इज इक्ल टू एम एक्स प्लस सी को ओबे भी करता है तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन और इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं जो कि इक्वेशन नंबर थ्री है इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये रेनियस इक्वेशन को वैलिडिफाई करती है तो वैसे आप रेनियस इक्वेशन पढ़ चुके हैं ये एक छोटा सा काम शायद मेरिकल्स में भी यूज़ होगा तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर करवा दिया तो वैसे जो नमेरिकल्स हमने करने हैं उनमें जो फॉर्मुलज़ यूज़ करने हैं लेट्स हमने कौन से फॉर्मुलज़ यूज़ करने हैं एक आप कल पढ़ के आए हैं पिछली वीडियो में लॉ के टू अपॉन के वन इजिकल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू ये वाला जो फॉर्मूला है Uh, ये हमने रेनिस uh, इक्वेशन में ड्राइव uh, करा था uh, जो K1 है ये रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 पे और जो K2 है वो रेट uh, कांस्टेंट है टेम्परेचर T2 पे अब जो फॉर्मूला नंबर टू है ये वही है जो हमने इक्वेशन को रेनेस इक्वेशन को वैलिडिफाई करने के लिए किया था यानी कि लॉग के दिस इज दिस इज ए आई मीन टू से अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आई है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज लॉग ए तो ये इक्वेशन थ्री का फॉर्मूला देखिए लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इज ए गैस कांस्टेंट इट इज टू बी टेकन इन द जाउल्स एट पॉइंट थ्री वन फोर जाउल पर कैल्विन पर मोल ताकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी भी जाउल में निकल जाए टेम्परेचर कैलविन में ले लेना तो ये जो थर्ड uh, इक्वेशन है uh, जो कि वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी को ओबे भी करती है ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करनी है तो ये देखिए ये लिखी हुई है लॉग के इजिकल टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी प्लस लॉग ए ये हमने रेनियस इक्वेशन को वैलिडीफाई करने के लिए ये इक्वेशन बनाई थी वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी ताकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को ओबे करे uh, जो के है ये तो रेट कांस्टेंट है ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है एंड इट हैज़ बिन टेकन इन द जाउल्स और इसको जउल्स में लिया गया है बिकॉज uh, हमारा जो आर है दैट इज 8.314 पॉइंट थ्री वन फोर जाउल पर कैलविन परमोल जो कि हमने आर ही जाउल्स में लिया हुआ है ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं ठीक है तो आप सेकंड जो आपके पास फार्मूला है इसके ऊपर भी बेस्ड एक अधा नमेरिकल जो है वो आप कर सकते हैं मतलब हो सकता है जो आ जाए ठीक है तीसरा फॉर्मूला जो है लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आर टी यहाँ पे लॉग ए नहीं लिया गया यानी कि लॉग ए की वैल्यू uh, जो है यूनिटी हो सकती है किसी न्यूमेरिकल में तो ये न्यूमेरिकल जो है फिर लॉग के यानी के को निकाल सकते हैं के को ऐसे निकाल सकते हैं कि ई ए को 2.303 पॉइंट आर टी से डिवाइड करेंगे तो लॉग के निकल आएगा तो के अकेला निकालना है तो लॉग को राइट साइड पे ले जाइए तो एंटी लॉग हो जाएगा तो जब इस टर्म का आप एंटी लॉग ले लोगे तो आपका क्या आएगा के यानी रेट कांस्टेंट क्योंकि जरूरी नहीं कि हर नमेरिकल में दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर दिए हों कोई नमेरिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टेम्परेचर दिया हो और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोलें और अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू गिवन है तो फार्मूला टू अप्लाई कर लीजिए अगर फ्रिक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू नहीं गिवन तो आप फार्मूला थ्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर है शेल वी प्रोसीड टू द निमेरिकल्स नाउ ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है जॉल्स में और आर जो है एट डेसीमल थ्री वन फोर जॉल पर कैल्विन पर मोल है और ए जो है वो क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ठीक है तो इसके ऊपर हम नमेरिकल करते हैं मैंने निमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं uh, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप निमेरिकल वैसे तो जब फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स के निमेरिकल्स कराए थे मैंने 25 नमेरिकल करा दिए थे तो इन्हनी इक्वेशन में तो 25 नमेरिकल फिजिबल नहीं तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप एन के निमेरिकल्स मैं जो कराऊंगा पाँच सात नमेरिकल इसके अलावा क्योंकि सब में फार्मूला यही अप्लाई होना है फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स में तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन थी तो इसमें जो डिफरेंट वेरिएशन है वो पाँच छः नमेरिकल्स में ही हो जाएंगी तो आपने इसके लिए एन सी आर टी एग्जाम्पल्स और और एग्जाम्पल जो सॉल्व दी हुई हैं आपकी रेफरेंस बुक में और इसके अलावा जो अनसोल्ड नमेरिकल एक्सरसाइज है उसके लिए मैं आपको एक दिन दूँगा वो आप सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा ठीक है तो वीडियो सुनते वक्त सो मत जाया करो जब मैं कहता हूँ कि आपने इसके न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं तो मतलब दिखाने हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे तो फिर आपका ही बेनिफिट है इसमें ठीक है तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स वेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस यानी जब टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस इनक्रीज करता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कैलकुलेट करनी है यानी yani, कि हमें दो टेम्परेचर गिवन है लोअर वन इज़ टी वन उसको कैलविन में कन्वर्ट कर लो हायर वन इज़ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इसको भी कैल्विन में कन्वर्ट कर लो uh, चूंकि उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है तो K1 हम K ले लेते हैं तो K2 क्या ले, ले लेते हैं 2K के ई ए कैलकुलेट करना है R की वैल्यू जॉल्स में लीजिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला लॉग K2 टू अपॉन के वन टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टू डेमल थ्री जीरो थ्री आर अपॉन सॉरी इन टू के अंदर T2 टू माइनस टी वन अपॉन टी वन तो हमारे पास आ जाएगा लॉग टू के अपॉन के ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू पुट कीजिए और टी2 टू हायर टेम्परेचर होता है टी1 वन लो टेम्परेचर होता है ठीक है तो इधर हमारा के और के कट जाएगा तो लॉक 2 बच जाएगा ई e ए हमने कैलकुलेट करना है टू डेसीमल थ्री जीरो थ्री इन एट डेसीमल थ्री वन फोर थ्री हंड्रेड टेन में से थ्री हंड्रेड को सब्सट्रैक्ट किया टेन आ गया थ्री हंड्रेड को थ्री हंड्रेड टेन से मल्टीप्लाई किया तो 93,000 आ गया ठीक है तो हमारे पास सब आ गया लॉक टू इजिकल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री इन एट डेसीमल थ्री वन फोर इसको सब किया था 300 को 310 में से तो 10 आ गया इनको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं नीचे वाले स्टेप में जाके लॉक टू की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं डेसिमल थ्री जीरो वन ज़ीरो लॉक टू की वैल्यू आप सबको पता है कि डेसिमल थ्री जीरो वन जीरो होती है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री को ए डेसिमल थ्री वन फोर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल ऑलवे गेट नाइनटीन डेसिमल वन फोर सेवन ठीक है नाइनटीन डेसीमल वन फोर सेवन तो इन टू ये टेन है थर्टी uh, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो नाइन्टी थ्री आ जाता है थ्री ज़ीरो है नाइन्टी थ्री थाउजेंड हो गया तो ये आप लर्न नहीं कर सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री को एट डेसिमल थ्री वन फोर से जब मल्टीप्लाई करते हैं यू ऑलवे गेट नाइन्टीन पॉइंट वन फोर सेवन अगर नाइनटीन पॉइंट वन फोर सेवन इतना लम्बा नहीं लर्न कर सकते नाइनटीन पॉइंट वन फाइव लर्न कर लीजिए तभी आपका पर्पज़ सर्व हो जाएगा तो अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन दोनों को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन से डिवाइड कर दीजिए और आपका एनर्जी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी फिफ्टी थ्री थाउजेंड ठीक है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी एट पर मोल आ जाएगा थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो किलो जाऊल आ गया चूँकि ये फाइव डेसिमल चूंकि ये डेसिमल फाइव नाइन एट है तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम सिक्स भी ले सकते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया फिफ्टी थ्री डेसीमल सिक्स क्लियर है बेटा ये आई एम वेरी श्योर कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर होगा बेटा सारे न्यूमेरिकल बाकी ऐसे ही हैं तो आगे चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पे इसमें उसने कहा है सेकेंड मेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन की 94.14 डेसिमल वन फोर किलो पर मोल है मतलब ई ए दे दिया और रेट कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे वन डेसिमल एट इंटू टेन पावर माइनस फाइव पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है आ गया ना फ्रिक्वेंसी वैक्टर निकालने के लिए तो फ्रिक्वेंसी वैक्टर निकालना है तो मैंने न्यूमेरिकल में क्या बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है लॉक के इज एकल टू फॉर्मूलीज वाला पेज देखिए वो पेज नंबर है एटी टू पेज नंबर एट्टी टू पर मैंने ये फार्मूला दिया हुआ है ये एट्टी फोर है ना एटी टू नंबर पेज पे ये फार्मूला दिया हुआ है लॉक के इज इक्ल टू माइनस ई ए अपॉन टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री आर टी प्लस लॉक ए हमने लॉग ए निकालना है तो क्यों ना ये वाली जो नेगेटिव टर्म है इसको लॉग के में ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू लॉग के प्लस ई ए अपॉन टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री आर टी आगे लॉग ए अभी लॉग ए तक तब तब तक, तक चलना जाए पड़ेगा जब तक ये सारा सॉल्व नहीं हो जाता जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा लॉक को इस तरफ ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा लॉग के के है वन डेसीमल एट इन टेन डिज टू पावर माइनस फाइव पर सेकेंड प्लस एक्टिवेशन एनर्जी किलो जॉल्स में दी है थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके जाउल में ले लो और टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर को भी जॉल में ले लो कैल टेम्परेचर को कैलविन में ले लो क्योंकि आपने एक्टिवेशन एनर्जी को जाउल्स में लिया है तो आर भी आपको जॉल्स में ही लेना चाहिए ठीक है तो इस सारे को पार्ट को सॉल्व कर लीजिए 94,140 को 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू एट से डिवाइड कर दीजिए एटलीस्ट इतना पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा ये मैंने कैलकुलेटर से किया था आप हाथ से कीजिएगा आपका हाथ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा फ़िफ्टीन डेसीमल सेवन जीरो आ सकता है फ़िफ्टीन डेसीमल सिक्स जीरो आ सकता है फ़िफ्टीन डेसीमल एट आ सकता है फ़िफ्टीन डेसीमल नाइन आ सकता है तो आप घर से क्रैम तो नहीं ना करके जा सकते क्योंकि हर बार एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो डिफरेंट होगी तो आपका फिफ्टीन पॉइंट फाइव से लेके 16 सिक्सटीन के बीच में जो भी वैल्यू आता है वो आप लीजिए यहाँ पे ठीक है तो जो डिवियेशन होती है थोड़ी वो अलाउड होती है ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया अब यहाँ पे आ जाते हैं लॉग 1.8 पॉइंट एट इन टू टेन टू पावर माइनस फाइव देखिए जो टेन डेज टू पावर होती है उसका लॉग तो वही होता है जो पावर होती है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो यानी लॉग टेन डेज टू पावर माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ लॉग टेन डिज़ टू पावर वन वन लॉग टेन डिज़ टू पावर टू टू पावर के इक्वल हो गया ना यानी वैसे एक्चुअली साइंटिफिकली टू लॉग टेन तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू हो गया मतलब लॉग टेन जो है वो वो वन के इक्वल है तो लॉग अगर टेन डिज़ टू पावर माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा लॉग टेन तो ये आ गया माइनस टू आ गया इसी तरह से आ, हमारे पास जो है लॉग टेन इज़ टू पावर माइनस फाइव है तो ये आ गया माइनस फाइव लॉग टेन इज इक्वल टू माइनस फाइव ये मैंने माइनस फाइव पुट कर दिया ठीक है तो साथ साथ में समझा भी रहा हूँ आपको ओके तो लॉग वन पॉइंट एट का देखेंगे तो ज़ीरो डेसिमल टू फाइव फाइव थ्री है इसको फाइव में से माइनस कीजिए वो नेगेटिव टर्म में आएगी लेकिन फिफ्टीन पॉइंट सेवन जीरो एट टू तो प्लस है और बहुत बड़ी टर्म है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेन डेसिमल नाइन सिक्स थ्री फाइव आएगा लेकिन आपने Uh, कोई इसकी वो टेंशन नहीं लेनी कि हमारा जो आंसर है टेन नाइन सिक्स थ्री फाइव ही आना चाहिए आपका 11 आ सकता है आपका टेन पॉइंट नाइन आ सकता है आपका टेन पॉइंट एट फाइव आ सकता है क्योंकि आपने ये कैलकुलेशन हाथ से की है तो ये टेन पॉइंट नाइन से लेके 11 इलेवन के बीच में वेरी कर जाए और डेसीमल के बाद कोई वैल्यू आती है नहीं आती एक दो एक डिजिट तक चले जाओ चार डिजिट तक जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास आ गया लॉग ए इज़ टू टेन डेसिमल नाइन सिक्स थ्री फ़ाइव तो अब ए निकालना है। लॉग राइट साइड पे जाएगा एंटी लॉग टेन डेसिमल नाइन सिक्स थ्री फाइव मैंने बताया था डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पावर बन जाती है तो ये टेंडिस्ट पावर टेन हो गया तो इसका मतलब हमने पॉइंट नाइन सिक्स थ्री फाइव का एंटीलॉग टेबल में देखना है वो जब देखेंगे ना वहाँ पे नाइन डेसीमल वन नाइन फोर नहीं लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा नाइन वन नाइन फोर आपने डेसिमल को वन प्लेस के बाद रखना है तो ए आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है नाइन डेसीमल वन नाइन फोर इंटू टेन एस पावर टेन पर सेकेंड आ गया ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर के फ्रीक्वेंसी किस में लेते हो पर सेकेंड में लेते हो ना तो ये आपका जो है आंसर आ गया आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर है आप अब बेशक पॉज कीजिए रिवाइंड कीजिए बिफोर यू गो टू द थर्ड नमेरिकल तो बेटा अब हम थर्ड नमेरिकल पे चलते हैं ऑफ कोर्स थर्ड नमेरिकल में कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर डी कम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रियक्शन यहाँ पे इथाइल आयोडाइड दिया हुआ है ये इथीन में और हाइड्रोजन आयोडाइड में डिसोशिएट कर रहा है और रेट कॉन्स्टेंट सिक्स हंड्रेड कैलविन पे uh, यानी कि एक रेट कॉन्स्टेंट गिवन है वन डेसमल सिक्स जीरो इंटू टेन डिस्टू पर माइनस फाइव पर सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी भी किलो जॉल में है इसे जाउल में कन्वर्ट कर लेना और रेट कॉन्स्टेंट के आपने कैलकुलेट करना है 700 हंड्रेड टेम्परेचर पर सेवन हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर पर इसका मतलब कि ये जो हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर है ये T1 है 700 हंड्रेड कैलविन जो टेम्परेचर है वो T2 है के 600 हंड्रेड कैलविन टी वन है तो उस पर जो रेट कॉन्स्टेंट है वो के वन होगा तो के वन हमारे पास हो गया और के टू हमने कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी हमें किलो जॉल में गिवन है हम इसे जॉल्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें आर जॉल्स में यूज़ करना है अप्लाई कीजिए फॉर्मूला लॉग के टू अपॉन के वन टू ई टू डेसिमल थ्री ज़ीरो थ्री आर अपॉन सॉरी इन टू ब्रैकेट के अंदर वन अपॉइन टी वन माइनस वन अपॉइंट टी टू ठीक है यहां तक क्लियर है लॉग के टू अपॉन के वन में से हमने लॉग के टू निकालना है तो वाई डोंट यू टेक इट लाइक दिस क्योंकि के वन की वैल्यू के वन भी है लॉग के टू माइनस लॉग के वन वी कैन राइट इट लाइक दिस ना जब लॉग ए अपॉन बी दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको लॉग ए माइनस लॉग बी तो ये लॉक के टू माइनस के वन हो गया इजिकल टू एक्टिवेशन एनर्जी 209 हंड्रेड नाइन किलो जाउल है इसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टू जीरो नाइन ट्रिपल जीरो जाऊल पर मोल हो गया अपॉन टू डेमल थ्री जीरो थ्री पुट कर दिया आर की वैल्यू एट डेसीमल थ्री वन फोर पुट कर दी स्क्वायर uh, ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर uh, uh, जो लोअर है वो टी uh, वन होता है वन अपॉन्ट सिक्स हंड्रेड हो गया माइनस टी uh, टू जो है हाई uh, टेम्परेचर है वन अपॉन सेवन हंड्रेड हो गया ठीक है आपको निकालना तो लॉग के टू है ना तो लॉग के वन पे साइन भी नेगेटिव है तो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए वो इस टर्म में ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ गया लॉग के वन प्लस एक्टिवेशन uh, एनर्जी की वैल्यू अपॉन टू डेसिमल थ्री ज़ीरो थ्री इंटू एट डेसिमल थ्री वन फोर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनका एलसीएम लिया 700 हंड्रेड माइनस सिक्स अपॉन सिक्स हंड्रेड इंटू अब जो लॉग k1 है उसकी वैल्यू हमें गिवन है वन डेसिमल सिक्स जीरो इंटू टेन पावर माइनस फाइव प्लस तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई ये वाली वैल्यू आ गई ये वाली वैल्यू लिख दी और हम लॉग के वन का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया तो मैंने बताया था कि अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि टेन पर माइनस फाइव का लॉग देखना है तो वो क्या होगा माइनस फाइव बड़ी डिटेल में पीछे बताया और हाँ वन डेसिमल सिक्स का लॉग आपको देखना पड़ेगा वो जीरो टू जीरो फोर वन होगा और इनको इस वैल्यू से अच्छा बताइए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था नाइनटीन डेसीमल वन फोर सेवन तो टू जीरो नाइन ट्रिपल ज़ीरो को नाइनटीन डेसीमल वन फोर सेवन से डिवाइड करेंगे तो टू डेसीमल फाइव नाइन एट नाइन आपका टू सिक टू पॉइंट फाइव नाइन की बजाय टू पॉइंट सिक्स भी आ जाएगा तो चलेगा ठीक है तो ये वैल्यू माइनस फाइव वाली बड़ी है नेगेटिव वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू छोटी है तो आपके पास आंसर जो है यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो है माइनस टू डेसीमल वन नाइन सेवन आएगा अब आपको लॉग के टू निकालना है अब के टू निकालना है आपको लॉग के टू की बजाय के टू निकालना है तो लॉग राइट साइड पे चला गया तो एंटी लॉग हो गया एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का निकालना है नेगेटिव टू डेसिमल वन नाइन सेवन पीछे बहुत सारे न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ कि नेगेटिव टर्म का एंटीलॉग नहीं निकालते इस नेगेटिव साइन को बाहर कर दीजिए और जो डेसिमल से पहले है उसके ऊपर माइनस वन लिखिए डेसिमल के बाद जो है उसको प्लस वन लिखिए इसे माइनस वन प्लस वन रूल कहते हैं तो ये माइनस टू और माइनस वन क्या हो गया थ्री बार हो गया ये थ्री के ऊपर बार लगा दिया और प्लस वन में से पिछली वीडियो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की देखो उसमें मैंने ये कितनी बार करके दिखाया हुआ है वन डेसिमल ज़ीरो 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 में से डेसिमल वन नाइन सेवन को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि आगे कौन सा साइन है नेगेटिव का तो वन में से वन नाइन पॉइंट वन नाइन सेवन को सब्सट्रैक्ट करने पे डेसिमल एट जीरो थ्री ज़ीरो आ जाता है और एंटी लॉग जब आपने थ्री बार का देखना है वो टेंडिज टू पावर माइनस थ्री आएगा पॉइंट एट जीरो थ्री जीरो का एंटीलॉग देखेंगे तो वहाँ पे सिक्स डेसिमल थ्री फाइव थ्री नहीं होगा उसके बदले में सिक्स थ्री फाइव थ्री होगा सिक्स थ्री फाइव थ्री होगा तो आपने डेसिमल को वन डिजिट के बाद लगा देना है तो आप देखिए कि आपको ये नमेरिकल क्लियर है बाकी प्रैक्टिस आप करते जाइए Uh, मैं आपको दो तीन नमेरिकल्स और सेंड करूँगा आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो निकलते जाएंगे क्योंकि सारे नमेरिकल एक जैसे ही हैं फिर भी चलो एक फोर्थ नमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है उसकी स्टेटमेंट ज़रूर बड़ी है ये हम कर लेते हैं आ, उसने कहा कि स्टेटमेंट में कहा है कि लॉग के जो है कॉन्सटेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आरटी आर टी के इक्वल है तो रेट कांस्टेंट के जो है वो वेरी करता है ईए एक्टिवेशन एनर्जी है तो जब आप ग्राफ किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा था आज हमने वीडियो में लॉग के वन ऑन वन अपॉन टी के बीच में वन अपॉन टेम्परेचर के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हमने वहाँ पे करी थी ग्राफ में और वो स्लोप नीचे की तरफ आ रही थी क्योंकि उसके आगे नेगेटिव साइन था यहाँ पे भी स्लोप की जो वैल्यू है माइनस सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी दी हुई है के तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालनी है और यूनिट भी निकालने आर की वैल्यू गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन जो है मैं ग्राफ आपको दिखा दूँ एक बार फिर से पहले देख लीजिए ये नीचे की तरफ आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है नेगेटिव है तो स्लोप किसके इक्वल है माइनस ई ए, ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो ये है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू ठीक है ई ए ई ए, ए, ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो यहाँ पे आर नहीं लिखा हम आर लिख देते हैं ठीक है ये कांस्टेंट है तो ये आर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में माइनस सिक्सटी केल्विन गिवन है तो ई ए निकालना है ना आपको तो टू डेसिमल थ्री जीरो थ्री आर को माइनस सिक्सटी सिक्स हंड्रेड केलविन से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इज एट डेसिमल थ्री वन फोर मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट आर के सिक्सटी सिक्स हंड्रेड कैलविन पर केल्विन पर कैलविन कट जाएगा पर कैलविन और कैलविन कट जाएगा इनको मल्टीप्लाई कीजिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा नाइनटीन डेसिमल वन फोर सेवन आता है उसको सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी से मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर जाऊल पर मोल आंसर आ जाएगा किलोजाउल किलो जाएग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दीजिए ठीक है आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच वी कॉल इट अ डे लव यू ऑल बच्चा अपना काम ज़रूर किया करो और कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन किया करो व्हाट्सएप की बजाय और फोन करने के लिए मैंने आइडियल टाइमिंग्स आपको काफ़ी बार बताए हुए हैं इन द केस में आप गर, अगर आपके फोन का जवाब नहीं देता तो मैं अपने आप, आपको कॉल बैक कर दूंगा आप मुझे एक मिस कॉल दे सकते हैं व्हाट्सएप yeah. कई बार क्या है मैं हमेशा वैसे तो ऑनलाइन ही होता हूँ नाइन्टी नाइन 9% नाइन परसेंट होल ऑफ़ द डे वी हैव टू बी ऑनलाइन बिकॉज ऑफ यू गाइज आर ऑनलाइन बट वैन यू सेंड यूर प्रॉब्लम ऑन द व्हाट्सएप ना द प्रॉब इज दिस के वी कैनॉट जस्टिफाई द प्रॉब्लम तो आप फोन करेंगे ना या आप कोई टाइम मांगेंगे कि सर किस वक्त ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो मैं आपको टाइम टाइप करके सेंड कर दूँगा या आपको कॉल बैक कर लूँगा उसी वक्त अगर मैं फ्री हुआ तो ठीक है नहीं तो जब भी फ्री हूँ तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा फ़ाइन थैंक यू वेरी मच वी कॉल इट अ डे लव यू ऑल सी यू